Hello and welcome back. So today we are going to cover your part 2 of your NCERT class 8, and the chapter is combustion and flame. We have already discussed part 1 and I hope you have seen my previous video. So today I'm going to cover the part 2. So let's get started. So humne choda kaha tha aapka. Now we'll discuss about parts, that is types of combustion. हमने कर लिया था आपका कि जो आपका हाउ टू कंट्रोल द फायर और बर्निंग, किस तरीके से हम अपनी फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी बर्निंग को कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें हमने क्या क्या मेथड्स पढ़े थे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड इट, वी कैन कंट्रोल इट बाय स्प्रेइंग वाटर. वाटर को स्प्रे कर सकते हैं. वाटर स्प्रे करने से क्या होता है कि जो आपका टेम्परेचर ऑफ कम्बस्शन है मटेरियल का, कम्बस्टिबल मटेरियल का जो टेम्परेचर है वे बिलो इग्निशन टेम्परेचर आ जाता है. एज अ रिजल्ट जो आपकी फायर है इट गेट्स एक्सटिंग्विश्ड. देन सेकेंड थिंग, उसमें क्या होता है कि आपका वाटर जब आप डालोगे आग में तो वाटर वेपर बनेंगे, एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस वाटर वेपर तो जो हीट है, हीट ऑफ फायर, इट कट्स द सप्लाई ऑफ एयर. सो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर, या फिर आप कह सकते हो एब्सेंस ऑफ एयर, एयर है क्या, इट इज़ अ सपोर्टर ऑफ कम्बस्शन. जब आप सपोर्टर ऑफ कम्बस्शन को ही काट दोगे तो योर फायर विल गेट ऑटोमेटिकली डिस्टिंग्विश्ड. सेकेंड मेथड था आपका बाय स्प्रेइंग हाईली वॉलेटाइल कंपाउंड सच एज कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड. हाईली वॉलेटाइल कंपाउंड से क्या होता है, सिमिलर प्रोसेस है जैसे कि वाटर डाला, वाटर वेपर बने. ऐसे ही अगर आप हाईली वॉलेटाइल कंपाउंड डालोगे जैसे CO2 या CCl2, CCl2 को आप क्या बोलते हो, इट्स ऑल्सो सोल्ड एज अ कमर्शियल नेम कॉल्ड एज पायरीन इन योर मार्केट्स. सो जैसे ही आप वॉलेटाइल सब्सटेंस को डालोगे इट विल इमीजिएटली वेपराइज, और वेपराइज होते ही ये कट कर देगा आपको ऑक्सीजन की सप्लाई को, और यू कैन सी इट विल कट द सप्लाई ऑफ एयर. सो इन द एब्सेंस ऑफ द सपोर्टर ऑफ कम्बस्शन इट विल हेल्प डिस्टिंग्विशिंग योर फायर. थर्ड वन वी डिस्कस्ड इज हाउ वी कैन कंट्रोल अ फायर इज बाय फॉर्माइट फायर एक्सटिंग्विशर. एक फॉर्म वाले फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, राइट. सो टुडे आई एम गोना डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ कम्बस्शन, कितने टाइप्स की कम्बस्शन होती है, कैसे करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस अंडर विच अ कम्बस्शन टेक्स प्लेस, कम्बस्शन को हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं. पहला ही इज रैपिड कम्बस्शन, दैट इज बर्निंग, एंड द सेकेंड वन इज स्लो कम्बस्शन. अब रैपिड कम्बस्शन क्या है ये हम डिस्कस करते हैं, और कम्बस्शन होता क्या है. द डेफिनेशन आपकी कम्बस्शन की, द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस कम्बाइंस केमिकली विद ऑक्सीजन एट अ टेम्परेचर अबव इट्स इग्निशन टेम्परेचर विद एवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इन अ शॉर्ट टाइम, इट इज नोन एज रैपिड कम्बस्शन, और वी कैन से इज बर्निंग. ठीक है, रैपिड कम्बस्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस जो है केमिकली कम्बाइन होता है आपके ऑक्सीजन के साथ एट अ टेम्परेचर अबव इट्स इग्निशन टेम्परेचर विद एवोल्यूशन, और एवॉल्व क्या करता है, इट एवॉल्व अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इन अ शॉर्ट टाइम. भी बहुत ही जल्दी जो है आपका जलने का प्रोसेस होता है, इसीलिए वी कॉल इट एज रैपिड कम्बस्शन, और वी कैन कॉल इट एज बर्निंग, राइट. बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स जैसे कि आपका LPG हो गया, केरोसिन एंड पेट्रोल. जैसे जो ये LPG है आपका, केरोसिन है एंड पेट्रोल है, ये रैपिड कम्बस्शन में आते हैं. वाई, बिकॉज बहुत जल्दी ये आग पकड़ते हैं, दैट इज वाई दे आर रैपिड कम्बस्टिबल मटीरियल्स. सो कम्बस्शन या फिर आप कह सकते हो बर्निंग ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस हमें आपको डिस्कस करके बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल हम कार्बन की कम्बस्शन कराते हैं पहले. अगर कार्बन जलता है, ठीक है, कम्बस्शन का मतलब जलना ही है, अगर आपका कार्बन जलता है तो किस तरीके से मटेरियल उसका बनता है, तो ये देखिए चारकोल को करवा दो वहां पर. अगर आपके पेपर में चारकोल दिया जाए तो चारकोल भी वही है, एंड सिमिलर इज योर कार्बन. ठीक है, चारकोल या कार्बन एक ही बात है, कार्बन का ही, कार्बन से ही बनता है आपका चारकोल. सो इफ योर चारकोल बर्न्स इन एयर और ऑक्सीजन, क्या देगा वो, CO2 अगर आपकी बर्न करेगी कार्बन, दैट इज C. ठीक है, अगर इसको ऑक्सीजन में हम इसको बर्न कर देंगे तो आपको मिलेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट इवॉल्व होगी, और तीसरी होगी लाइट. ये है आपका कार्बन का, या फिर यू कैन कॉल इट एज चारकोल का. देन वी हैव कम्बस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन. ये रहा, यहाँ पर इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी. हाइड्रोकार्बन जब भी बर्न करते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट. देखो
कार्बन जब बर्न करती है कार्बन डाइऑक्साइड हीट और लाइट देती है, लेकिन हाइड्रोकार्बन जब बर्न करते हैं तो हाइड्रो लग गया ना उसमें, तो इसीलिए एक्स्ट्रा क्या निकलेगा उसमें, एक्स्ट्रा निकलेगा वाटर। सो CH4 कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन करना है आपको, तो CH4 को अगर हम बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑब्वियस ही बात है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, और यू कैन से इन एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2, प्लस में ये वाटर देगी H2O, प्लस में देगी ये हीट एंड इट विल एमिट लाइट। इस तरीके से जो है ये प्रोसेस होता है कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तीसरा है, एक हमने मैग्नीशियम का कंबस्शन डिस्कस करते हैं, मैग्नीशियम दैट इज Mg, प्लस में अगर हम ऑक्सीजन, इस मैग्नीशियम को अगर हम जलाते हैं तो हमें मिलता है MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, प्लस में हीट, प्लस में लाइट। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो ये था आपका फास्ट कंबस्शन। ये जो मटेरियल्स मैंने आपको बताए दैट इज कार्बन, CH4, Mg, ये आपके सारे ही फास्ट कंबस्शन में है, और यू कैन सी रैपिड कंबस्शन में मटेरियल्स हैं। नाउ विल कम टू स्लो कंबस्शन। स्लो कंबस्शन मटेरियल्स क्या होते हैं? अभी स्लो कंबस्शन होती क्या है? द कंबस्शन रिएक्शन इन विच नो लाइट इज प्रोड्यूस्ड एंड टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड इज नोन एज स्लो, या फिर यू कॉल इट एज स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। इस कंबस्शन में ना ही लाइट रिलीज होती है, ना ही जो है उसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज करता है, टेम्परेचर भी बदलता नहीं है, सो इट इज कॉल्ड एज स्लो कंबस्शन। The substance, it undergoes slow combustion without catching fire. इसमें जो है ये सब्सटेंस कंबस्शन होती है इसकी, बट फायर नहीं पकड़ता। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल स्लो कंबस्शन का है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा आपका कि जैसे आपका लिख दिया जाएगा कि ये जो डाइजेशन ऑफ फूड है ये किस तरीके का कंबस्शन है, इज इट अ फास्ट कंबस्शन और इट इज अ स्लो कंबस्शन। सो डाइजेशन ऑफ फूड इज स्लो कंबस्शन। अब या डाइजेशन ऑफ फूड को और क्या कह सकते हो आप? रेस्पिरेशन। ठीक है, ये किस तरीके का प्रोसेस है, किस तरीके का कंबस्शन है? रेस्पिरेशन इज अ स्लो कंबस्शन। धीरे धीरे जो है इसमें टेम्परेचर कोई भी इंक्रीज नहीं करता, दूसरा कोई भी ये लाइट जो है एमिट नहीं करता। दूसरा है आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ येलो फॉस्फोरस, येलो फॉस्फोरस एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, इट इज ऑल्सो अ स्लो कंबस्शन। देन वी हैव इनकम्प्लीट कंबस्शन। अब हमने दो तरीके का कंबस्शन डिस्कस कर लिए, फास्ट स्लो। अब हम डिस्कस करेंगे इनकम्प्लीट कंबस्शन के बारे में। द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ इनसफिशियंट ऑक्सीजन और एयर, इट इज नोन एज इनकम्प्लीट कंबस्शन। जो भी कंबस्शन रिएक्शन इनकम्प्लीट या फिर इनसफिशियंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किया जाता है उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबस्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका कार्बन है, जब ये बर्न करेगा इनसफिशियंट या फिर लिमिटेड क्वान्टिटी ऑफ एयर की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट? यहाँ पर हम कार्बन को बर्न कराते हैं, कार्बन या फिर सिंबल होता है इसका सी, इसको आप बर्न कराओगे ऑक्सीजन में, दैट इज इन लिमिटेड अमाउंट। जब ये लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है बर्न करेगा, इसको हम इनकम्प्लीट कंबस्शन बोलेंगे। आपका निकलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। CO फॉर्मूला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में निकलेगी आपकी हीट, प्लस में लाइट, राइट? अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कभी भी देखना जब भी आपके कोई भी इनकम्प्लीट कंबस्शन होते हैं, पूरी तरीके से कोई भी चीज़ है जो जलती नहीं है, फॉर एग्जांपल आपकी प्लास्टिक है वो ढंग से नहीं जलती जब, तो कौन सी गैस जो है एमिट होती है उसमें इनकम्प्लीट कंबस्शन में? वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरीके की गैस होती है? इट इज़ हाईली पॉइजनस, हाईली पॉइजनस गैस। ओके, देयरफॉर जब पॉइजनस है तो ये डेडली गैस भी है। तो आपका जब भी इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा तो क्या क्या होगा? पहला होगा आपका वेस्ट ऑफ एनर्जी, एनर्जी वेस्ट जाएगी इसमें, और दूसरा बहुत ही हैजार्डस होता है ये, राइट? चलिए आगे।
Now we'll discuss about complete combustion. Complete combustion वो होता है the combustion in which a substance gets completely burned to form the oxide of a substance. जब भी कोई substance completely burn करता है और आपका oxide बना देता है, it is known as a complete combustion. Combustion in a presence of excess या फिर आप कहते हैं sufficient oxygen या air is known as complete. Incomplete में insufficient air थी, insufficient oxygen थी, but in case of your complete combustion, कोई भी material को आप completely heat करते हो या complete combustion में पूरी supply होती है आपकी oxygen की. For example, देखिए, burning of carbon to carbon dioxide is a complete combustion. जब भी हम carbon को burn करते हैं और CO2 बन जाती है, ये एक complete क्या है? Combustion है. For example, इसकी equation लिखी जाएगी, carbon that is C plus में oxygen O2, it gives CO2 plus में heat plus में light. So it is a complete combustion, right? अब discuss करते हैं flame. Flame क्या होता है आपका? जब भी कोई ये मोमबत्ती जली, ठीक है, it is a candle. और ये ऊपर जो ये इस तरीके की चीज होती है, इसी को आप फ्लेम बोलते हो, जो ब्लू कलर का और ब्लू या फिर कभी कभार येलोइश ऑरेंजिश आता है, तो दैट इज अ फ्लेम. ठीक है, बत्ती जो ऊपर जलती है, दैट इज जलना ही इज अ फ्लेम. सो फ्लेम की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ शाइनिंग जोन इन विच अ कम्बस्टिबल गैस मटीरियल undergoes combustion process producing heat or light. जो भी आपकी flame है, एक shiny zone होता है ये, जिन in which जो combustible gases हैं, gas material हैं, ये combustion process को वो करते हैं and produce होता है heat and light. So जब भी आप कोई matchstick light करते हो, matchstick क्या, matchbox क्या होता है आपकी, तो matchstick को जब भी आप light करोगे तो किस तरीके का आपको flame मिलेगा? You will get yellow flame. तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जब भी आप माचिस जलाओगे तो किस तरीके का फ्लेम मिलता है? यू गेट इट बर्न्स विद अ येलो फ्लेम. ठीक है, और अब फ्लेम का अगर पूछा जाए कि जब भी एलपीजी बर्न होती है, ये था मैच स्टिक का येलो फ्लेम. जब भी आपकी एलपीजी बर्न होगी तो एलपीजी में निकलेगा आपका ब्लू फ्लेम. नाउ जब भी आपका केरोसिन, यहाँ से पूछा जाए अगर केरोसिन अगर बर्न होता है, केरोसिन, सो व्हेन इट इज बर्न इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ एयर, तो आपका क्या होगा? येलो और स्मोकी फ्लेम निकलेगा, येलो एंड स्मोकी फ्लेम. ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है. एंड जब भी आपका स्टोव वगैरह आपका बर्न होता है, व्हेन अ बर्न इन अ स्टोव, तो ब्लू एंड स्मोकलेस फ्लेम निकलता है. यही एलपीजी जब हम स्टोव में जलाते हैं तो यू गेट ब्लू एंड स्मोकलेस फ्लेम. समझ आ गया? ऑल गैसेस कम्बस्टिबल मटेरियल्स या सब्सटेंस इट बर्न्स विद अ फ्लेम. लिक्विड कम्बस्टिबल फ्यूल्स आल्सो बर्न विद अ फ्लेम. जो आपका लिक्विड कम्बस्टिबल फ्यूल्स हैं, जैसे कि पेट्रोल, केरोसिन, ये भी एक फ्लेम के साथ बर्न करते हैं. सिमिलरली सॉलिड कम्बस्टिबल सब्सटेंसेज जो होते हैं, व्हेन बर्नड एट लो टेम्परेचर, जब सॉलिड कम्बस्टिबल सब्सटेंस होते हैं, जब लो टेम्परेचर पे बर्न करते हैं, दे डू नॉट गिव अ फ्लेम. ठीक है, एट हायर टेम्परेचर हाउएवर द सॉलिड कम्बस्टिबल मटीरियल वेपराइज एंड दे ऑल्सो बर्न विद अ फ्लेम. एग्जाम्पल है जैसे आपका केरोसिन हो गया, लिक्विड फ्यूल है, वैक्स है. तो आपसे अगर पूछा जाए कि एक लिक्विड फ्यूल का एग्जाम्पल दो, तो योर केरोसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड फ्यूल. एंड इन केस दे आस्क यू अबाउट सॉलिड फ्यूल का एग्जाम्पल, तो योर वैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड फ्यूल, राइट. Now the actual nature of flame जो है, the actual nature of flame क्या होता है कि उसका color, it depends on the nature of combustible materials. आपका जो the shape of flame depending on the apparatus used for burning combustible material. But when we talk of a flame and its structure, we generally refer to a candle or a kerosene lamp. Now if we talk about flame. फ्लेम हमने डिस्कस करा है, कलर इसका, ठीक है, नेचर, कलर, नेचर या फिर कलर डिस्कस कर लिया. बट इफ वी डिस्कस अबाउट कि कितने टाइप्स की क्लासिफिकेशन होती है, सो वी क्लासिफाई आर फ्लेम इनटू टू थिंग्स, दैट इज नॉन ल्यूमिनस एंड ल्यूमिनस.
ल्यूमिनस फ्लेम क्या है आपका? द येल्लो फ्लेम विच प्रोड्यूसेस हीट एंड अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ लाइट इज नोन एज ल्यूमिनस. ये ल्यूमिनस में आता है आपका येलो फ्लेम, जिसमें कैसी है, इट प्रोड्यूसेस हीट और अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ लाइट, उसी को बोलते हैं ल्यूमिनस. जो ल्यूमिनस फ्लेम है, इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ फ्यूल अंडरगोज पार्शियल कम्बशन. ये ल्यूमिनस फ्लेम कब आपको ऑब्टेन होता है? जब पार्शियल कम्बशन होती है, कंप्लीट कम्बशन नहीं होती, पार्शियल कम्बशन जब होती है तो यू गेट अ ल्यूमिनस फ्लेम. बट इन केस ऑफ अ नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, ब्लू कलर्ड जो है ये होता है आपका ब्लू कलर्ड फ्लेम. ठीक है, नॉन ल्यूमिनस में इज अ ब्लू कलर्ड फ्लेम एंड इट प्रोड्यूसेस अ वेरी लिटिल लाइट, देयरफॉर इट इज नोन एज नॉन ल्यूमिनस. कभी भी देखना, जब आपकी गैस चलती है और ब्लू कलर की जलेगी तो नॉर्मल चलेगी, लेकिन कभी भी उसमें कोई इनकम्प्लीट कम्बशन होती है तो सडनली वो येल्लो कलर की जलने लगती है. और गैस में भी देखना, येल्लो में भी वो एकदम सडनली ही जो है आपका फैल जाती है. सो वो होता है आपका नॉन ल्यूमिनस फ्लेम जो ब्लू है, और जब येल्लो फ्लेम निकलने लग जाए तो दैट इज अ ल्यूमिनस फ्लेम. ठीक है, ल्यूमिनस फ्लेम कब निकलता है आपका? नॉन ल्यूमिनस फ्लेम कब निकलता है? जब आपकी होती है कंप्लीट कंबस्शन. और कंप्लीट कंबस्शन कब होगी? जब हमारे कंबस्टिबल मटेरियल को सप्लाई ऑफ एयर जो है, या फिर ऑक्सीजन काफी ज्यादा मात्रा में मिलती है. ठीक है, तो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम के साथ कौन कौन सी चीजें जो है आपकी लाइट होती है? दैट इज एलपीजी जो होती है, इट बर्न्स विद अ नॉन ल्यूमिनस फ्लेम. केरोसिन, इट बर्न्स विद नॉन ल्यूमिनस फ्लेम. ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर. नाउ विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम. स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम राइट, किस तरीके से है ये देखिए. कैंडल हमारी इस तरीके से होती है, तो हम डिस्कस करेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है कैंडल फ्लेम का, ये किस तरीके से होता है. पहला होता है जो सबसे ऊपर की टिप होती है, इट इज आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनस जोन. ये वाली टिप है आपकी आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनस जोन, विच इज ब्लू, या फिर यू कैन से इट ये होती है सबसे हॉटेस्ट जोन. देन नीचे आते हैं, एंड ये जो विक होती है आपकी, ये है आपकी मिडल ल्यूमिनस जोन. मिडल ल्यूमिनस जोन और मिडल ल्यूमिनस जोन कैसा होता है आपका? येलो. सबसे ऊपर कैसा? ब्लू. देन नीचे येलो, इसको मॉडरेटली हॉट होता है, ये ज्यादा हॉट नहीं होता, इट इज मॉडरेटली हॉट. देन नीचे आए, नीचे आके आपको मिला इधर की तरफ लोएस्ट या फिर लोअर ब्लू जोन. एंड देन सबसे नीचे जो अंदर की तरफ है, इट इज डार्क इनर डार्क जोन. इन अ डार्क जोन एंड दिस इज योर कैंडल. ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कैंडल का. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका यहाँ बनेगा, जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इट इज कैंडल जो है वो किस चीज से बनी होती है? इट इज मेड फ्रॉम पैराफिन वैक्स. पहला क्वेश्चन हो गया. दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? पैराफिन वैक्स हम कैसे ऑप्टेन होता है? हमें ये जो पैराफिन वैक्स है, ये हमें ऑप्टेन होता है आफ्टर, इट इज ऑप्टेन फ्रॉम रेजिड्यू लेफ्ट ड्यूरिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल. जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, तो आपको मिलता है क्या? यू गेट योर पैराफिन वैक्स. ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए आपके. देयरफॉर जो पैराफिन वैक्स है वो किस तरीके का प्रोडक्ट होता है? पैराफिन वैक्स इज योर पेट्रोलियम प्रोडक्ट. पेट्रोलियम प्रोडक्ट ये होता है आपका पैराफिन वैक्स, और इसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्यों बोलते हो आप? क्योंकि ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्रूड ऑयल की करने से मिलता है. क्रूड ऑयल है क्या आपका? कच्चा तेल. इसी क्रूड ऑयल की जब डिस्टिलेशन हो जाएगी तो आपको पेट्रोल मिलता है आपका, जो आप यूज कर सकते हो. ठीक है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, किस तरीके का है ये आपका? इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट कंटेन्स अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन. बहुत ही हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन भी जो है ये कंटेन करता है. एंड पैराफिन वैक्स को जब भी आप हीट करोगे, इट वेपराइज ऑन हीटिंग.
हमने और बाकी कर लिया है कि किस तरीके से आपकी कैंडल बनती है, और इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसके अकॉर्डिंग जो कैंडल फ्लेम है उसको चार जोन में बांटा गया है, वैसे ये क्वेश्चन नहीं बनता, बट स्टिल कुछ नहीं पता चलता इन केस दे आस्क यू इन योर यूपीएससी एग्जाम कि कैंडल फ्लेम जो होता है वो चार जोन में बांटा जाता है, फोर जोन्स। तो ये किसने बांटा है चार जोन में कैंडल फ्लेम को? तो एक साइंटिस्ट थे आपके जे जे बर्जीलियस ने 1822 में ये बोला था कि आप कैंडल फ्लेम को जो है दो चार जोन्स में बांट सकते हो। चार जोन कौन कौन से होते हैं ये हमने ऊपर डिस्कस कर दिया है। आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनस जोन दैट इज अ ब्लू जोन, फिर नीचे आते हैं सेंट्रल या मिडल ल्यूमिनस जोन जो कि इनकम्प्लीट कम्बस्चन वाला होता है, थोड़ा सा और नीचे आए इनर डार्क जोन या फिर ऑफ नो कम्बस्चन, और नीचे आए इट इज अ लोवेस्ट ब्लू जोन, राइट? ठीक है, आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनस जोन जो है ऑफ अ कम्प्लीट कम्बस्चन, दिस जोन इज यू नो फेंटली विजिबल एंड सराउंड्स द येलो ल्यूमिनस पार्ट ऑफ फ्लेम। तो इसी जोन को आप हॉटेस्ट पार्ट ऑफ कैंडल भी बोलते हो, जो सबसे ऊपर होता है, इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ कैंडल। नीचे आए, नीचे में आपको मिलेगा सेंट्रल या फिर मिडल ल्यूमिनस जोन ऑफ इनकम्प्लीट कम्बस्चन, द सेंट्रल ल्यूमिनस जोन इज अ मेजर पार्ट ऑफ कैंडल फ्लेम। सबसे मेजर पार्ट कैंडल फ्लेम का होता है सेंट्रल ल्यूमिनस जोन। सो दिस जोन इज ब्राइट येलो एंड ल्यूमिनस एंड लाइज बिटवीन आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनस जोन, और नीचे आए उसके बाद आपको मिलेगा इनर डार्क जोन ऑफ नॉन कम्बस्चन। तो डार्क जोन अराउंड अ विक इज कॉल्ड इनर डार्क जोन और ऑफ नो कम्बस्चन। यहाँ पर इन दिस जोन अ वेरी लिटिल या फिर नो कम्बस्चन टेक्स प्लेस इन दिस जोन, ठीक है, बिकॉज इस जोन में एयर नहीं जाती, देयरफॉर बहुत ही कम जो है कम्बस्चन होती है यहाँ पर। एंड इस पार्ट को हम लीस्ट हॉट भी बोलते हैं, लीस्ट हॉट जोन जो है इट इज योर इनर डार्क जोन ऑफ नो कम्बस्चन। उससे भी नीचे आए वी हैव लोवेस्ट ब्लू जोन एंड दिस जोन इज लोकेटेड एट द ब्लेस ऑफ फ्लेम। द ब्लू कलर ऑफ दिस जोन किस लिए होता है ब्लू कलर जोन का? इट इज ड्यू टू बर्निंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन डार्क जोन ड्यू टू इनकम्प्लीट कम्बस्चन, ठीक है। हम नीचे हम चलते हैं, नीचे हमें मिलेगा व्हाई डज केरोसिन बर्न विद अ ब्लू फ्लेम इन अ विक स्टोव बट प्रोड्यूसेस येलो फ्लेम व्हेन बर्नड इन अ लैम्प। ये आपको मुझे बताना है कि आपकी जो केरोसिन है ये ब्लू फ्लेम के साथ जब भी विक स्टोव में होती है ब्लू फ्लेम के साथ जलती है, बट जब ये येलो फ्लेम प्रोड्यूस करती है जब ये लैम्प में बर्न होती है। तो लैम्प में येलो फ्लेम क्यों देती है और जो आपके विक स्टोव है उसमें ब्लू कलर क्यों देती है, ये आप मेरे को बताना। सो अब उस कल हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड मोस्ट प्रोबेबली टुमारो आई एम गोना कंप्लीट दिस चैप्टर, और इट विल टेक वन एक्स्ट्रा वीडियो आफ्टर टुमारोज वीडियो टू कंप्लीट दिस चैप्टर, एंड आफ्टर दिस योर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। देन आफ्टर टू वीडियोस आई विल टेक योर क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड योर MCQs एंड एवरीथिंग। सो आई होप इट इज क्लियर। इफ एनीथिंग रिमेन्स अनक्लियर यू कैन मेल अस एट sbss.inquiry@gmail.com। वी हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड यू अ व्हाट्सएप नंबर इन केस यू वॉन्ट टू ज्वाइन आर चैनल। एक ऊपर आपको ज्वाइन का लिंक दिखेगा, यू कैन ज्वाइन आर चैनल देयर। एंड टिल देन टेक केयर, गुड लक, बाय, कीप स्टडिंग। और कल SSC CGL का जो रिजल्ट आ चुका है 2019 का, सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल हु गॉट सिलेक्टेड, एंड जो नहीं हो पाए इस बार नहीं आ पाया जिनका नंबर, उनको आगे मेहनत करो एंड ऑल द बेस्ट टू देम। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।